बागों के शहर में अंधेरों के बसेरे, लाहौर में 1,39,000 स्ट्रीट लाइट्स बंद, जाती उमरा, जमान पार्क, जहूर इलाही रोड में अंधेरे, क्याबान जिनार, रावीपुल, आजादी चौक की लाइट्स खराब, मौलाना शौकत अली रोड, अब्दुल सतारीदी रोड की लाइट्स 6 माह के बाद भी रोशन ना हुई। लोग खड़े हो जाते हैं चोरी करने के लिए, अंधेरे में पता नहीं चलता, वो एकदम आगे आ जाते हैं तो गाड़ी भी रोकनी पड़ती है, वैसे वो आगे चीज दे देते हैं फिर रुकना पड़ता है। कि यहाँ पर रात के टाइम किसी के साथ कोई वारदात हो जाए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को मार कर चले जाए कोई बंदा पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। जान बचाने वाली एंटी टेटनस इंजेक्शन की किल्लत, हादिसात में जख्मी होने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना, अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक पर भी एंटी टेटनस इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। तिब्बी माहरीन के मुताबिक चोट लगने के 72 घंटे में टीका लगवाना जरूरी है। झूठी खबर चलाओगे तो जेल जाओगे, अफवाहें फैलाने पर हर जाना भी भरना होगा। पंजाब काबीना ने हद के इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। झूठी खबर चलाना, किसी का तशखुस मजरूह करना जुर्म तसव्वुर होगा। हुकूमत कल बिल को पंजाब असेंबली से मंजूर कराएगी। लाहौर की तमाम कच्ची गलियों को पक्का करने का प्लान, महकमा बल्दियात ने लाहौर पैकेज पर वर्किंग तेज कर दी। पानी की बेहतर निकासी के लिए नई ड्रेन भी बनाई जाएगी। सड़कों, नालियों और गलियों की मरम्मत के लिए 21 अरब रुपए मंजूर हो चुके। आवाम के लिए सेहत की बेहतरीन सहूलियात, सरकारी अस्पतालों के लिए करोड़ों के फंड जारी। सर्विसेज अस्पताल को तामीर और मरम्मत के लिए 32 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। जनरल अस्पताल को 34 करोड़ 30 लाख रुपए जारी। महकमे खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। स्मोक और डेंगू का तदारुक, तमाम स्कूलों में जीरो पीरियड लाजिम करार। प्लेग्राउंड, टॉयलेट, पानी की टैंकियों और छतों की सफाई करवाई जाएगी। कमरा जमात में आगाही बैनर्स और पोस्टर लगाए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मरास्ता जारी कर दिया। स्कूल से दुराने ड्यूटी गायब, असातिज़ा शिकंजे में आगे। पहले दरख्वास्त मंजूर कराओ फिर छुट्टी पर जाओ। असातिज़ा और मुलाजमीन के बगैर इतला स्कूल छोड़ने पर कार्रवाई होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दो टोक बता दिया। सरकारी स्कूलों में टीचिंग के लिए नया मियार मुकर्रर, टीचर बनने के लिए सर्टिफिकेट लाजिम होगा। इकबाल टाउन गुलशन इकबाल पार्क के करीब मुबैना मुकाबला डॉल्फिन स्क्वाड ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं ने सांदा में गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनी थी। मुलजिमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल और असलहा बरामद हुआ। लेस्को में मीटर्स का शॉर्टफॉल बढ़ गया। सनती और कमर्शियल सार्फिन के टीओयू मीटर्स का स्टॉक भी खत्म। घरेलू सार्फिन के लिए 3 फेज मीटर्स भी नायाब हो गए। न्यू कनेक्शंस बंद, सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिल सका। खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम भी रुक गया। शहर में मसाइल के अंबार, कहीं कचरे के ढेर, कहीं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद तो कहीं बिजली के तार बने हैं बवाल। चंद्राय गांव की खराब सूरत हाल, नाकिस सीवरेज गटरों का पानी सड़क पर आ गया। गोपाल नगर नसीराबाद का फिल्टर वाला पार्क बदहाली का शिकार। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर मौजूद, झूले में जंग आलूदा और टूट फूट का शिकार। उधर सेक्टर C2 ग्रीन टाउन में बिजली के बेहंगम तार मकीनों के लिए मुश्किल का सबब बनने लगे। भीके वॉल पिंडी स्टॉप मेन वहदत रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैरफाल, नलकों का नामो निशान मिट गया, टाइलें भी खस्ता हाल। फिल्ट्रेशन प्लांट पानी की फ्राहमी के बजाय आवारा कुत्तों का मस्कन बन गया। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दद अफसरान के तकर्रर तबादले कर दिए। अदनान बशीर को ACHR लाहौर लगा दिया गया। मोहम्मद आबर सरवर स्टेब्लिशमेंट 1 में तायुनात। शीना आजम INC, मुकर्रम मुजीब कॉन्फिडेंशियल 4 में लग गए। जमील अहमद स्पेशल एजुकेशन, अहमद नदीम जंगलात, बुरहान इल्ताफ महकमे बल्दियात में तायुनात। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रर तबादले, सब इंस्पेक्टर अबूजर इचरा शर्जील अवान फैक्ट्री एरिया में तायुनात। मोहम्मद तौकीर मनावा, मकसूद अयास मांगा मंडी लग गए। गुलाम मुर्तजा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन तायुनात। कैदी सर झुकाएंगे ना जमीन पर बैठेंगे। आला हुकाम के दौरे पर कैदियों को जमीन पर बैठने के बजाय बेंच फ्राहम करने का हुक्म। कैदियों को सुप्रीटेंडेंट जेल के सामने सर झुकाने और जूते उतारने पर भी मजबूर नहीं किया जाएगा।
अदाकारा रेशम को सोशल मीडिया का क्रेज महंगा पड़ गया। अदाकारा ने खाना बनाने की वीडियो अपलोड की, महकमा एक्साइज वालों ने भी देख ली। वीडियो में आई गाड़ी का नंबर चेक किया तो टोकन टैक्स डिफॉल्टर निकली। एक्साइज वालों ने 58,650 रुपए की चिट भेजने का फैसला कर लिया। अवाम एक्सप्रेस फाटक पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। जागरण के करीब 34 नंबर फाटक पर हादसा हुआ। मट्टी से भरी ट्रॉली और ट्रैक्टर तबाह। तवील कोशिश के बाद ट्रॉली को ट्रैक्टर से हटाया गया। जिले शाह की हलाकत का केस, हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत कबलज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी अहलिया और वकील के हमराह पेश हुए। सानहे 9 मई की मुलजमा खदीजा शाह गिरफ्तारी का केस, आईजी पंजाब समेत पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत का महफूज फैसला सुनाया ना जा सका। केस रीशेड्यूल हो चुका। एडिशनल एडवोकेट जनरल का मौकफ, जिस दिन जमानत हुई उसी दिन नया इंकशाफ हो गया, फिर कोयटा ले गए, हमें इसमें बदनीयति नजर आ रही है। जस्टिस अली बाकी नजफी का हुकूमत के जवाब पर अदम इतमान, हाईकोर्ट ने शिकवार जवाब मांग लिया। सनम जावेद केस में वकील को सरकारी रिपोर्ट पढ़ने के लिए मोहलत, समाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का मामला, सलमान अकरम राजा के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत। हाईकोर्ट ने फ्रीकेंट के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। डेढ़ लाख चालान जमीन खा गई या आसमान निकल गया, चालान अदालतों तक ना पहुंच सके, पुलिस के पास ना प्रोसिक्यूशन के पास। पुलिस ने चालान अदालतों में भेजने का मौकफ अपना लिया। प्रोसिक्यूशन ने लातालुकी जाहिर कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक DIG ऑपरेशंस को मुकदमात की फहरिस्तें भिजवा रहे हैं। सिविल अदालतें मॉडल टाउन मुंतकिल करने का मामला, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी की जेर सदारत इजलास। वकला का कल सिविल कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान। 18 मई को योम सियाह के तौर पर मनाने का फैसला। लाहौर बार ने PMG चौक तक रैली भी निकाली। वज़ीर आला का नवाज शरीफ के हमराह न्यू अस्पताल का अचानक दौरा, मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात का जायजा। मरीजों और लवाहिकीन से इलाज की सहूलियात के बारे में पूछा। स्टेप डाउन एरिया, नर्सिंग रूम, न्यूनेटल ब्लॉक, फार्मेसी का भी मुआयना किया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ मरीज बच्चों के वालिदैन से भी मिले। वज़ीर आला मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। अजलान शाह कप में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। तारिक बुगटी, राना मुजाहिद भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने कहा, हॉकी टीम ने कौमी फ़खर को बहाल किया। वादा करती हूँ वज़ीर आज़म और मैं कौमी हॉकी के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली से किसान लेबर पार्टी और किसान इत्तेहाद के वफद की मुलाकात। किसानों के मसाइल और गंदम के हवाले से तबादला ख्याल। किसानों के हक में करारदाद लाने और किसानों के एतमाद में लेने का मशवरा। स्पीकर की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर तामीरात मलिक सुहेब भर, सुहेल अशरफ की शिरकत। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एतमाद में लिया। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की जेर सदारत इजलास। एडमिनिस्ट्रेटर मथरूका वक्फे इमलाक बोर्ड ननकाना ने इमलाक की लीज के स्टेटस पर इदादोशुमार पेश किए। वक्फ जमीन के मौजूदा स्टेटस पर तजावीज बोर्ड को भेजने की हदायत। लाहौर बहाली पे DC राफिया हैदर की जेर सदारत MCL और वासा का इजलास। वजीर आला पंजाब लाहौर बहाली मनसूबे की तैयारियों का जायजा लिया गया। तमाम मुतल्लिका इदारों से मिलकर स्कीमों के PC1 का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। हाई प्रोफाइल मुकदमात को ट्रेस करने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के अफसरान के एजाज में तकरीब। IG पंजाब ने DSP से कांस्टेबल जैंक के 43 सहकारों को तारीफी असनाद से नवाजा। मस्जिद वजीर खान के जनूबी हिस्से की बहाली का काम का इफ्तिताह। अमरीकी कौंसल जनरल हॉकिंस ने इफ्तिताह किया। बहाली के काम में इमाम जामन का मकबरा,
6 हुजरे, मरकजी हिस्सा मस्जिद के मशरकी मीनार शामिल। बहाली के काम पर 2 लाख अमरीकी डॉलर लागत आएगी। अरकी ने असम्बली शाइस्ता परवेज और अली परवेज मलिक के एजाज में शाया लीगी रहनुमा वकार सिद्दीकी ने गुलबर्ग में तकरीब का अहतमाम किया। ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक नजीम कामरान, शुएब अहमद सिद्दीकी की शिरकत। बाबर महमूद, मुबशर जावेद, बैरिस्टर अहमद परवेज, अहमद मलिक गजाली पर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की तंजीम साजी, शहजाद सईद चीमा और नीलम जब्बार से पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत। आतिफ रफीक चौधरी, जाहिद जुल्फकार और मीर शकील समेत दीगर जियाले शरीक हुए। पार्टी रहनुमाओं की मियां मिसबाह रहमान और मंजूर मानिका से भी मुलाकात। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान से जली अमन कमेटी की मुलाकात। अमनो अमान के क्याम के लिए तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख के किरदार पर बात। सूबाई टैक्स मोहतसिब एडवाइजर अब्दुल बासित का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर काशिफ अनवर और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टैक्स वसूली की बेहतरी के लिए पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस कम्यूनिटी का इश्तराक पर तबादला ख्याल। फाइनेंस बिजनेसमैन के वफद का शालम इलेक्ट्रिक मार्केट्स का दौरा। नामुंतखब सदर खुरम लोधी और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। अली हस्साम असगर, हारिस सातिक, शाहिद नजीर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। सिटी ओ अमाराथर के शाहदारा में मरहूम ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्ला के घर आमद। मरहूम की बेवा, बच्चों और अजीजों अकारब से मुलाकात। मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। इंचार्ज वेलफेयर को मरहूम के तमाम वाजबात अदा करने का हुक्म। फिल्म प्रोड्यूसर गुलाम मोहियुद्दीन अलमारूफ गोगा लाहौरिया की रस्म कुल। शाहदारा में अल्लामा नईम साकी और मुफ्ती फहीम ने दुआ कराई। दुआया तकरीब में जोनी मलिक, तौफीक शाह, नाजम इश्तियाक रसूल शरीक हुए। हाजी शेरा, इकबाल अस्करी, अब्बास समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। नेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के जेर तरबियत अफसरान का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वफ्द को 15 कॉल, वीडियो कॉल फीचर और सेफ सिटी वेब पोर्टल का बताया गया। ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक अहमद ने सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। कैप्टन सलमान सरवर शहीद सितारे बिसालत की 11वीं बरसी पर सेमिनार। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, अल्लामा राय जफर अली शरीक, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अब्बास रजा जैदी, फरत अब्बास शाह, इम्तियाज सरवर की शिरकत। शाजिया मंजूर और सायरा ताहर ने मिली नगमे पेश की। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। कश्मीर के हालात भी फलस्तीन से कुछ मुख्तलिफ नहीं। डायरेक्टर कश्मीर अमेरिकन कौंसल गुलाम नबी फाई की दुहाई। फ्लैटिस होटल में कश्मीर एक्शन कमेटी पाकिस्तान का इजलास। डॉक्टर खुर्शीद सिकंदर, फारूक आजाद, सैयद मंजूर गेलानी समेत दिगर का इजहार ख्याल। कायदा अकेडमी चंद्रा रोड पर पहला स्टीम बेस्ड मुकाबला। 40 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तुलबा और तालिबात की शिरकत। तेजाबी बारिश, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, काबिल तजदीद तवानाई के मॉडल्स पेश। बेहतरीन तुलबा को शील्ड से नवाजा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का 133वां कॉन्वोकेशन। 343 पीएचडी की डिग्रियां तकसीम। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद की शिरकत। पीएचडी, एमफिल, मास्टर्स और पीएस के 2023 में कामयाब तलबा की शिरकत। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में सेमिक्स के फनकारों की नुमाइश। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने इफ्तिताह किया। कोलंबिया से आए फनकारों ने भी अपनी महारत दिखाई। एमसीए में मुनक्दा नुमाइश 31 मई तक जारी रहेगी। अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्लासेस। नौजवान फनकारों ने फनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। पेंटिंग, ड्राइंग, फ्लोट प्ले और गिटार पर शानदार परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा रशीद ने इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब अकेडमी का दोस्ताना मैच। नाइजेरियन फुटबॉलर्स ने मैदान मार लिया। दोनों टीमें मुकदा वक्त तक कोई गोल ना कर सकी। नाइजेरियन फुटबॉलर्स ने पेनल्टी किक्स पर 4 के मुकाबले में 5 गोल से मैच जीत लिया। और लाहौर ईस्ट जोन पीसीबी इंटर क्लब चैंपियनशिप, गोल्डन स्टार क्लब और अब्दुल कादिर क्लब ने अपने मैच जीत लिए। गोल्डन स्टार क्लब ने गाजियाबाद जिमखाना को 9 विकेटों से हराया।
अब्दुल कादिर क्लब ने शहजाद बट क्लब को 9 विकेटों से मात दी।